आप लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हो कि भाई अगर हम 50 कंपनी में काम करेंगे तो क्या 50 की 50 सर्विसेज आएंगी, और क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी सर्विस को वहां से डिलीट कर दें? हम नहीं चाहते कि आगे वाली कंपनी हमारी पुरानी सर्विसेज को देखे, तो हम डिलीट कर सकते हैं क्या? यही दो सवालों का जवाब आज की जागो मेंबर जागो सीरीज में दे रहा हूँ। ये सीरीज आपको सिखाती है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। ये गलती अगर करोगे तो फिर आपका पीएफ अटकेगा, और पीएफ अटकेगा तो आपके चक्कर लगाना तय है। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सही तरीके से जानकारी हो ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यही दो सवालों का जवाब। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पीएफ का अकाउंट खोल लेना है। अगर आप फोन में खोलेंगे तो यहाँ तीन डॉट्स करके आप यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे जाएंगे। इसके बाद आपको व्यू में जाना है, सर्विस सिस्टम में जाना है। आप यहाँ सर्विस सिस्टम में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको कितनी एंट्रियाँ देखनी है। अब यहाँ देखो 5 एंट्री नज़र आ रही है। यहाँ आप चाहो तो जितनी आपकी सर्विसेज हैं यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ 100 सर्विस तक का रिकॉर्ड इन्होंने सोच रखा है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 100 कंपनियों में काम कर सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे 100 पे टच कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 100 पे टच करता हूँ तो आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा कि अभी तक इस भाई साहब ने 11 कंपनियों में काम किया है, और 11 कंपनियों में जो काम किया है तो सारी की सारी कंपनियां यहाँ नज़र आ रही हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ किस तरह से सर्विसेज हो रही हैं। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि चाहे आप किसी कंपनी में एक दिन के लिए भी ज्वाइन करते हो, एक दिन के लिए भी अगर आपने ज्वाइन किया, अगर आपका एक दिन के लिए भी आपको सैलरी मिली है तो आपके यहाँ पे पीएफ रिकॉर्ड में वो शो करेगा ही करेगा। क्योंकि जो भी संस्था अपने आप में पीएफ में रजिस्टर्ड होती है, अगर वो आपको एक रुपये भी सैलरी के तौर पे देती है तो उसके लिए आपका पीएफ काटना मैंडेटरी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट दे आए, लेकिन बाद में आपको हुआ कि हम ये कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर उस कंपनी ने आपकी आईडी क्रिएट कर दी तो वो आईडी आपकी डिलीट नहीं हो सकती है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है और वहाँ आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है तो सबसे सही तरीका ये है कि जो डेट आपकी ज्वाइनिंग की है वही डेट आप रिज़ाइन में करवा लीजिए। ऐसा करने से आपका क्या होगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि क्योंकि वो मिस्टेक से आईडी क्रिएट हो गई थी तो सेम डे की ज्वाइनिंग सेम डे की एग्जिट, ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सवाल नंबर दो था क्या हम किसी आईडी को डिलीट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं कर सकते हो। आपकी चाहे सर्विस गलती से क्रिएट हो गई हो या फिर आपने किसी कंपनी में एक महीना दो महीना काम किया हो, तो आप कोई भी सर्विस अगर क्रिएट हो गई है तो ना तो कंपनी इसे डिलीट कर सकती है, ना आप पीएफ ऑफिस जाकर डिलीट करवा सकते हो, ना आप कोई आरटीआई लगा के डिलीट कर सकते हो, ना किसी शिकायत से डिलीट होगी। बस इतना कर सकते हो कि मान लो कि एक जगह पे, जैसे यहाँ इस केस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 17 जनवरी थी और अगले में इन्होंने 10 जनवरी को ज्वाइन कर लिया, तो 7 दिन पहले इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई जो पहले वाली कंपनी है ना उसने मेरी एग्जिट डेट गलत डाली है, इसकी वजह से मेरा सर्विस ओवरलैप हो रहा है, तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि कंपनी नंबर एक के अंदर आप यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपनी एग्जिट डेट ठीक कर सकते हो ताकि आपकी सर्विस ओवरलैप ना हो। और अगर किसी कंपनी ने रिज़ाइन के बाद एग्जिट नहीं डाली है तो आपको एग्जिट मेंशन करवा लेनी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने जिस जिस कंपनी में जॉब छोड़ी है सभी कंपनियों ने इनकी रिज़ाइन डाली है, तो ये चीज़ इनके केस में सही है। लेकिन ज़्यादातर केस में मैं देखता हूँ कि ये गलत होता है कि वहाँ पे कंपनियाँ क्या करती हैं, नौकरी छोड़ने के बाद एग्जिट डेट नहीं डालती हैं। तो आपके अगर केस में एग्जिट डेट नहीं पड़ी हो तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कितनी समझ आई है, 10 में से इसे कितने नंबर देंगे, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इस चैनल पे क्या है, इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपके हेल्पफुल चीज़ें होती हैं वही बताता हूँ, प्योर ज्ञान दे रहा हूँ, प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का पीएफ सुरक्षित रहे। यही इस चैनल का उद्देश्य है। इसको सपोर्ट करने के लिए कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।